नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पीएम मोदी बोले, आतंक के खिलाफ सभी देश साथ आएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद पर विश्व सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए और आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए SCO के सभी देशों को साथ आना चाहिए। वहीं SCO में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। कई राज्यों में डॉक्टरों की हड़ताल का असर, मरीज बेहाल। पश्चिम बंगाल से शुरू हुई जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को देश भर के डॉक्टरों ने समर्थन किया है। इसी के तहत दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल के चलते AIIMS जैसे बड़े अस्पतालों में OPD में नए मरीजों की भीड़ लगी रही, लेकिन इलाज नहीं किया गया। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में भी डॉक्टरों ने काम करने से मना कर दिया है। डॉक्टरों पर हमले के खिलाफ IMA ने विरोध दिवस मनाया। कोलकाता के NRS मेडिकल कॉलेज में करीब 200 लोग ट्रकों में आए और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों पर हमला कर दिया। इस घटना के विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। IMA ने हड़ताली डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आज अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया। एम्स के डॉक्टरों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी मुलाकात की। JEE एडवांस में कार्तिकेय गुप्ता ने किया टॉप। IIT रुड़की ने JEE एडवांस परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in या results.jeeadv.ac.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। JEE एडवांस में पहला स्थान महाराष्ट्र के कार्तिकेय गुप्ता ने, जबकि दूसरा इलाहाबाद के हिमांशु सिंह और तीसरा स्थान नई दिल्ली के अर्चित बुबना ने हासिल किया है। कार्तिकेय को JEE मेन्स परीक्षा में 18वीं रैंक मिली थी। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में ढेर किए लश्कर के 2 आतंकी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में से एक कल ही आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। सुरक्षा बलों ने उस मकान को ब्लास्ट से उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे हुए थे, जबकि सुरक्षा बलों ने हिजबुल के डिप्टी चीफ को घेर रखा है और एनकाउंटर जारी है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। UPA सरकार के कारण हुई चंद्रयान 2 में 7 साल की देरी। इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर ने कहा कि चंद्रयान 2 को लॉन्च करने की मूल योजना 2012 में थी, लेकिन तत्कालीन UPA सरकार ने नीतिगत फैसला लेने में देरी की, इसलिए चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग 7 साल बाद हुई। माधवन नायर ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद ऐसी परियोजनाओं पर जोर दिया, जिससे अब इसरो भारतीय स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। इमरान बोले, भारत से मतभेद का मुख्य मुद्दा कश्मीर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारत के साथ उनके देश के संबंध शायद अपने सबसे खराब दौर में हैं। उन्होंने आशा जताई कि पीएम मोदी कश्मीर सहित सभी मतभेदों को हल करने के लिए अपने प्रचंड जनादेश का उपयोग करेंगे। इमरान ने कहा कि भारत के साथ हमारा मुख्य मतभेद कश्मीर पर है, यदि दोनों देश फैसला करते हैं तो कश्मीर मुद्दा हल हो सकता है। ओमान सागर में तेल टैंकरों पर हमला, अमेरिका ने लगाया ईरान पर आरोप। ओमान सागर में 2 तेल टैंकरों पर हमले के बाद उनमें आग लग गई। हालांकि किसी तरह से चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया। टैंकरों पर यह हमला फारस की खाड़ी के करीब किया गया, जहां से दुनिया भर में कच्चे तेल की करीब 40% आपूर्ति होती है। अमेरिका ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। कुछ सप्ताह पहले भी इसी तरह का हमला हुआ था। अमेरिका ने माना क्रिकेट विश्व कप में दुनिया को बदलने की ताकत। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अरबों लोगों का ध्यान खींचने वाले क्रिकेट विश्व कप में दुनिया को बदलने की ताकत है। पोम्पियो ने कहा कि आप लोगों के बीच मौजूदा समय की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक प्रतियोगिताओं में से एक को लेकर विस्तृत चर्चा हो रही है, जो क्रिकेट विश्व कप है। इस दौरान गूगल के भारतीय अमेरिकी CEO सुंदर पिचाई सहित शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारी मौजूद थे। रणवीर सिंह की पत्नी बनने के लिए दीपिका ने लिए 14 करोड़ रुपए। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण रियल लाइफ के बाद अब रियल लाइफ में भी पति पत्नी बनने जा रहे हैं। शादी के बाद पहली बार दोनों फिल्म 83 में साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में रणवीर सिंह कपिल देव का किरदार निभा रहे हैं, जबकि दीपिका उनकी पत्नी रोमी भाटिया के रोल में दिखेंगी। हालांकि इसके लिए दीपिका 14 करोड़ रुपए फीस ले रही हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।